अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। हेलो यारों ते बेलियो मित्रों ते सेलियो बकरियो ते ले लियो, कैसे हैं आप लोग। तो यार ये इंट्रो बहुत ज़रूरी होता है, तो इंट्रो की वजह से खफन होना। अच्छा, इस मैच में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मैच में हम लोग फिर से एक बार फिर से हम लोग एक हैकर को मारेंगे, और एक्सपेंसिव हैकर है, और ये शाहू आई डी, और तुम लोग इसका चैनल भी जाके चेक कर सकते हो। भाई साहब ये फुल हैक लगा के खेलते हैं, और अरबी बंदा है कोई, पता नहीं किस कंट्री का, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यूट्यूब पे इसने वीडियोस डाली भी हैं, कुछ हैक वैक लगा के खेलता है, और यही इसका अकाउंट भी है। अच्छा, इस बंदे को, इस बंदे ने उतरते साथ भाई तबाही चढ़ा दी। जिधर देखो इसी का किल मैसेज आ रहा है, और सारी की सारी गन्स अपग्रेड ग्लेशियर थी, AKM कुछ मतलब पता नहीं कौन सी थी, लेकिन मज़े की भाई किल मैसेज पे किल मैसेज आए जा रहे थे। जब से जो है ना ये लैंड, हम लोग लैंड करने से पहले ये बंदा किल मैसेज स्टार्ट कर चुका था, शायद ये बुचिंग की उतरा था। तो हम लोगों ने कहा कि यार चलो हम लोग उतरते हैं, अपने होम टाउन जाते हैं, तो देखते हैं कि हम लोग होम टाउन में अगर सर्वाइव कर पाया तो हम लोग आगे इसको मार लेंगे। तो हमारा भी पूरा स्क्वाड था, तो हम लोग यहाँ पे अपने होम टाउन पे लैंड करते हुए भाई साहब, तो अपने होम टाउन जाते हैं, और उसके बाद हमें कोई मतलब इतनी कह लें कि यार मज़ेदार लूट तो नहीं मिलती है स्टार्ट में, तो लेकिन एक स्क्वाड आया हुआ था साथ में, उसके साथ फाइट होती है, तो मतलब वो फाइट तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन 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 आगे जाके हमारे साथ कुछ बुरा होता है, क्योंकि मैं तो इसमें भाई साहब 3-4 बार तो मैं नॉक हुआ था यहाँ पे, क्योंकि हैकर था और गन बना हुआ था फुल, और लॉबी बहुत गंदी थी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले उजी मिल गई, और बेड किट शेड किट मतलब फर्स्ट एड किट वगैरह मिल गई। तो यहाँ पे एक भाई साहब कार 98, लेकिन कार 98 स्टार्ट में मैं बिल्कुल भी नहीं चलाता, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं चलती है स्टार्ट में, स्नैपिंग बिल्कुल भी नहीं होती स्टार्ट में, क्योंकि क्लोज फाइट होती है, तो कोशिश करो भाई शॉर्ट गन वगैरह हो। तो हमने अपन ने DBS उठा ली, और मैंने कहा यार चलो जो बंदे आए हुए हैं उन पे रश मारते हैं। तो सामने वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे स्क्वाड था, तो हमने कहा कि चलो रश मारते हैं। तो यहाँ से हम चेक करते हैं सामने वाली साइड पे, आगे एक बिल्डिंग की छत पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ से मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गया, सामने वो सामने बंदा स्क्वाड हाउस से खिड़की से पीक ले रहा है, मैं उठ के उजी का स्प्रे दूंगा, लेकिन ना भाई उसने, अब मैं लेट चुका था, लेकिन हो सकता है उसने DP का फायर पहले दिया हो मुझे, लेकिन मुझे बाद में रेंडर हुआ, क्योंकि मेरी MS हाई है, 236, 240, 300 इस तरीके से मेरी MS जा रही थी, तो फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो क्लोज होता हूँ मैं, तो यहाँ से जंप किया, हम लोग सारे क्लोज हो रहे थे। तो भैया हम उजी लेके टार्जन बनते हुए, तो मैं यहाँ पे टार्जन बनने जा रहा था, लेफ्ट साइड से मुझे उजी का स्प्रे आया, तो मैंने कहा यार ये क्या गन है यार, मैं यहाँ पे खड़े होके हील करूँगा, आप देखो ये कुत्ता बना दिया मुझे। अभी मैं हील ही कर रहा था कि ऊपर से बंदे ने कार 98 की शॉट दे दी। भाई कैसे चला लेते हो तुम लोग स्टार्ट में यार। तो मैंने कहा यार मुझे फ़ौरन से पहले कवर दिया जाए, नंबर 1 का OP कवर देते हुए भाई साहब स्मोक किया और मुझे रिवाइव दिया, इतने में हमारा नंबर 3 लॉक हुआ। हमने कहा इसको फिनिश करेगा यार, इसको तो पहले ख़त्म करो ना, इसको ख़त्म करते साथ हमने कहा यार चलो अब लूट वूट भी ख़त्म हो चुकी है, और मिल चुकी थी लूट, हमने कहा यार चलो स्कूल वाली साइड पर जाते हैं, वहाँ पर फायर हो रहे थे स्कूल वाली साइड पे आते रिच के ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, सामने एक बंदा ओपन में जाके बोट को मार के उसकी लूट करने गया हुआ है, अब देखना ज़रा। देखते हुए हम एक हेड बढ़ती गई, तो वो बेचारा नॉक हो गया यार, फिर हमने कहा इसको फिनिश किया जाए, क्योंकि यार फिनिश करना बहुत ज़रूरी है, आजकल किल नहीं मिलते ऐसे या बहुत हॉर्ड लॉबियाँ आ रही हैं, और किसी टाइम भी ये देखो शाहू वाइटी भाई साहब कभी कौन सी गन से मार रहे हैं, कभी कौन सी गन से मार रहे हैं, बंदे स्पॉट है। तो यहाँ पे इसको मैंने स्प्रे दिया, अच्छा ये वाला चेक किया, यहाँ पे इसको मैंने स्प्रे दिया पहले, इसको नहीं लगी, जब इसको मैंने दोबारा से गोलियाँ मारी ये अंदर चला गया उसके बाद। अच्छा यहाँ पर मैं आया तो राइट से मुझे आवाज़ आई कि इस घर में कोई बंदा है, तो मैंने कहा चलो नेड कराता हूँ, सीढ़ियों पे होगा। तो जितने मैंने नेड कुक किया तो सामने से एक और बंदा आ रहा था लेफ्ट से, मैंने कहा यार अभी नहीं, अब दोबारा से फिर नेड कुक किया, मैंने कहा हम OP नेड कराएंगे। तो भैया ये भाई साहब गे ग्लेडिएटर साहब,
इनके पास लेजर्ड M4 थी और ये भी बंदे फुड़काई जा रहे एक थे, और भी है अभी इन्होंने यहाँ पे फ्लेयर चलाई हुई थी। तो मैंने फौरन से रश किया, मैंने कहा फौरन से पहले रश किया जाए। तो अपन रश करते हुए ऊपर आए, डर भी लग रहा था, शाहू वाईटी भी उधर से बंदे मार, तो ये भाई साहब अभी रिवाइव नहीं हुए थे, तो माजरत के साथ हमने इनको किल कर दिया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और वाले ये जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे कैंप कर लिया था हमने, क्योंकि हमें पता था कि अब रह गया हैकर, तो हम लोग अगर गाड़ी में कहीं भी निकलेंगे तो मारेगा। इसने क्या किया हैकर, ये वाइट कलर की गाड़ी में आया, जैसी US मेरे पास है। तो ये भाई साहब ने क्या किया, साथ वाली बिल्डिंग में आए, मैंने नेट कुक किया, उसको लोकेशन बता दी, ठीक है। देखना अभी नेट भाई साहब ने ऊपर किया, ठीक है, ये हुआ। फिर मैंने क्या किया, मेरा अब नेट कुक हुआ हुआ, मैंने नेट फेंका और वो नहीं नॉक हुआ, कहीं शायद वो पीछे चला गया होगा क्योंकि उसको लोकेशन का पता था। इतने मुझे ओपी कवर देते हुए रिवाइव दिया, मैंने नंबर 3 को बोला कि भाई सीढ़ियों पे 2-3 नेट फेंकते ताकि उसके आने की टाइमिंग थोड़ी सी स्लो हो जाए। अब इससे ये हुआ कि मैं अभी उठाई, हील भी नहीं की और वो बंदा वापस आ रहा है, देखो ऊपर भी पहुंचा है वो, देखो। और ओपी कवर देते हुए भाई साहब DSP ने उसको छेक दिया और मैं यहाँ पे हो चुका था नॉक। फिर हमने उसकी खातर तवाजो की थोड़ी सी गालियों के साथ, क्योंकि इन अरबियों को जो है ना शर्मूद कहना बहुत ज़रूरी है, तो हमने भी वही किया। तो इसके बाद क्या हुआ, मैं बेगम हो गया, मैंने कहा यार अब तो रोला ही हटा मैंने, मतलब अब तो कुछ होता ही नहीं है, अब जाओ लड़ो फाइट लो। तो आखिरी मतलब ये जो बंदे रहते थे, तो हम लोग स्क्वाड हाउस में, यहाँ पे एक बंदा था, स्क्वाड होगा नहीं भाई यहाँ पे भी कोई नहीं, चलो भाई मैं यहाँ पे देखने गया नीचे, नीचे भी कोई नहीं, चलो भाई स्मोक फेंका, चलो कर दे। लेकिन मैं ऊपर जाता हूँ तो ये यहाँ पे देखते हैं कि काम बंदा यहाँ पे खड़ा है, इनके आस पास भाग रहा है और इनसे नॉक नहीं हो रहा। ओ भाई तो मैंने कहा दूसरे जो बंदे होंगे उनको छिक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं था। तो यहाँ पे फिर मैं टार्जन बना रहा, मैंने ढूंढने की कोशिश की, मैंने कहा इनको ढूंढेंगे, ढूंढ के मारेंगे भाई, कहाँ गए ये लोग। तो इतने में हम लोग जाते हैं, तो बाहर से फायर आया, मैं यहाँ पे आके ढूंढने लग गया, मैंने कहा यार देखता हूँ अब ये हैं कहाँ पर। लास्ट की फाइट यार इतनी मतलब मज़े की नहीं थी, क्योंकि मेरी यार MS इतनी गंदी आ रही थी, 200 से अबव आ रही थी, तो ना बंदे को बहुत ज़्यादा गोलियाँ मारनी पड़ रही थी। एक बंदा डाउन किया, मैंने कहा थोड़ा सा आगे जाता हूँ ताकि किल विल निकाल सके। तो यहाँ पे क्या सीन होता है तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये बार बार रिवाइव हो जा रही है, कितना मारूँ यार, कितना मारूँ, मतलब इतने में अगर कोई एयर भी होता ना तो वो हमें दो हमारे अंदर ब्लॉक हो जाता है। स्प्रे का कोई फायदा नहीं हो रहा, ये भाई इस वजह से शायद उस पर नेड गया हुआ था, भाई मुझे किल नहीं मिलने वाला। अच्छा अब मैंने नॉक किया ना हमारे, ये मुझे नहीं पता था कहाँ पे, कि मुझे फायर की लोकेशन आ रही थी, ये तो टट्टी है। तो यहाँ पे हो गया अपना चिकन। तो यार जिस बंदे को भी गेम प्ले, छोटा मोटा गेम प्ले था यार, एक हैकर को ही तो बस मारा है हमने, मतलब मेरे टीममेट ने मारा, मैंने ही नहीं मारा, लेकिन यार स्पोर्ट फुल था। तो जिस बंदे को यार गेम प्ले पसंद आया, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड क्या कहते हैं, ऐसी सपोर्ट करते रहो और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो, और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय।